राधिका, मैं आज आपको तीन बताने जा रहा हूँ, बेसिक तरकीब को कैसे आगे बेसिक करने के बाद कैसे मारने हैं वो मैं आज आपको बताऊँगा। ओके, फर्स्ट सबसे पहले मैं आपको बेसिक बताऊँगा। फर्स्ट सबसे पहले चुप बॉल है, बाकी लोगों को पता ही होगा लेकिन फिर भी मैं एक बार आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। फर्स्ट या आप 45 डिग्री में खड़े होंगे, पैर को खोलना है, पैर से नीचे ट्रैक करते हैं, शोल्डर बन रहेंगे और शोल्डर जो है आपके कंधे के बिल्कुल बराबर रहेगा। तो आप ऊपर, आप सबसे पहले बेसिक वन बैलेंस बना के नींद को खाना है और उसको ऊपर बैलेंस करना है। सेव एक को स्ट्रेट करके बैलेंस बनाना है, आगे थोड़ी वापस नींद पर आएगा, देन वापस अपने सुकुमार पोजिशन। ओके, ये बेसिक है। इस बेसिक को आपको दोनों लेग से करना है, स्टार चेंज करके कम से कम ये आपको 20 टाइम्स करना है बेसिक्स। उसके बाद में जब आपका बेसिक्स कंप्लीट हो जाता है तब जो चार काउंट्स हैं उन चार काउंट्स को एक ही काउंट्स में उसको कर देना है। बस पीक, जब आप बेसिक्स आपका कंप्लीट हो जाएगा तब आपको जो चार काउंट्स हैं उसको एक ही में कन्वर्ट कर देना है। और याद रखिए, जब आप पीक मारेंगे तो पीछे नहीं जा रहा है। कुछ लोग क्या करते हैं, पीक मार के आप पीछे जाना चाहते हैं, इससे क्या है आपका बॉडी बैलेंस जो है सारा पीछे चला जाता है। जब आपका जो अपोनेंट है, जब आपको आप उसको पीक मारते हैं और साथ में उसने भी कुछ हिट किया तो आपका बॉडी बैलेंस पीछे होने की वजह से आप पीछे गिर जाते हैं। तो बॉडी बैलेंस पीछे ना रह के बॉडी बैलेंस सेंटर में रहेगा। तो ये एक टीप का बेसिक्स बताया मैंने और टीप को किस तरह से आपको मारना है और उसमें किन किन बातों का ध्यान रखना है वो मैंने आपको बताई है। तो आप घर पे रहते हुए इस चीज को प्रैक्टिस कीजिए। सॉरी गॉड।